वही करती है। तू चुप रह, तो के बस पैसा दिखाई दे रहा है। अरे वो सब मालूम है, समझे? कभी सोचा है आपकी बिटिया जो घरे बैठी है उसका ब्याह कैसे कराओगे, कि जिंदगी भर चूल्हा के सामने बैठाओगे, कहाँ से लाओगे तेज के लेते पैसा? कुछ भी करेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे, पर रोका अकेली छोड़ के नहीं जाएंगे। हमका पता है अपनों के मरने का गम, को बड़ा पता है। और अगर क्या पता कि हमने भाग्य में सब दुर्भाग्य लिखा है तो फिर क्या हुई है? अरे तू चुप रह साला, हर वक्त अपशकुन करता रहता है। अरे वो अपशकुन नहीं कर रहा है, समझे? वो बाप मर चुका है, पूरा गृहस्थी खुद ही संभाल रहा है। तुम्हारी तरह सपनों की दुनिया में नहीं जी रहा हो। बात करते हैं, मेहनत मजदूरी करेंगे आए बड़ा तो क्या करे, हार मान ले अपनी परेशानियों से, छोड़ दे लड़ाई, है कौन और रास्ता? अरे रास्ता है रे गोविंद भैया, ये देखो। अरे तुम समझ नहीं रहे रामधारी, जब बड़े का साया उठ जाता है ना, तब परिवार दिशाहीन हो जाता है, जाने कब अकल आएगी। अरे हमका अकल वकल नहीं चाहिए, समझे? हम अपने परिवार को जा रहे हैं सुखी बना रहे, तुम लोगों का अकल आ जाए तो ये तुम्हारे हिस्से का रस्सी मतलब जा रहा। बड़ी अजीब बात है, ज्यादातर जो मजाकिया किस्म के लोग होते हैं उनके दिल में काफी दर्द छिपा होता है। अब कहने को तो हम किसानों को आप लोग अन्नदाता कहते हो, लेकिन असलियत यह है कि आज हम किसान भी एक बूंद अन्न के लिए तरस रहे। कुछ लोग कहते हैं कि भैया ये खेत बल उठेगा, कुछ लोग आके समझाते हैं, तसल्ली देते हैं कि ये भूखे अनपढ़ बच्चे हमारा पेट भर देंगे। अरे नहीं चाहिए ऐसी तसल्ली साहब, नहीं चाहिए। हमें मालूम है हमारा भविष्य क्या है, मत बताओ हमें। कुछ लोग आके समझाते हैं कि अरे भगवान सब ठीक कर देगा। अरे कहाँ ठीक कर देगा भगवान? भगवान की दया से जो पहली गर्मी में सूखा देखते हैं, दो बूंद पानी पीने से पहले ये सोचना पड़ता है कि अगर ये दो बूंद पानी खत्म हो गए तो चार मील दूर जाकर पानी लाना पड़ेगा। पर आप कहते भगवान सब ठीक करेगा, भगवान की दया पड़ती है ना साहब, तो आदमी खुद को नहीं पहचान पाता। सब करते भगवान सब ठीक करेगा। आखिर में बस इतना ही कहना चाहता हूं, तड़प तड़प इस दिल से ये बात होती है कि आखिर क्या चिढ़ाने के लिए जन्मा था उसने हमें? क्या गलती थी मेरे बाप की कि आधे पेट जिंदगी जीनी पड़ रही है।